संस्कृत का हम लोग आज स्पेशल क्लास चलते हैं, ठीक है ना। आज हम लोग सीखेंगे अस्ति, अस्ता, संति, अस्मि, असि, आसित, आसन। ये सारे के सारे वर्ड हमें कहाँ कहाँ यूज करना है, ये सभी वर्ड हमें कहाँ यूज करना है। एक बात ध्यान रखिए, ये सभी वर्ड लकार से बाहर है, लकार से बाहर है। लट लकार से बाहर वाले सेंटेंस जो भी होंगे उसमें यूज करना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, ये एक वचन के लिए होता है, ये क्या होता है एक वचन, ये दुई वचन के लिए क्या होता है बहुवचन के लिए। और जब सब्जेक्ट में मैं रहेगा तो उसके लिए ये, और तब तुम रहेगा तो ये, और ये था के लिए होता है, और ये क्या होता है थे के लिए, लेकिन थे में बहुवचन होना चाहिए, क्या होना चाहिए बहुवचन होना चाहिए। चलते हुए एग्जाम्पल के तौर पर, अस्ति के आधार पर, अस्ति के आधार पर अनुवाद, कोई दिक्कत अनुवाद हर बार नहीं, हम लोग बहुत अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे। एक अनुवाद देख लीजिए कि यह एक लड़का है, यह एक लड़का। अगर एग्जाम में पूछ दिया यह एक लड़का है, अब तो इलाकार में नहीं है, ता है, ती है, नहीं है, न ता था, ती थी, न गागेगी, न चाहिए, न कुछ भी नहीं है, विदिनिंग अनुज्ञा कुछ भी नहीं है, तो कैसे बनाएंगे। यह का संस्कृत क्या होता है इदम, एक का बाबू होता है एक, लड़का क्या होता है बालक, क्या होता है बालक। और यहाँ एक वचन का बोध हो रहा है, एक लड़का एक वचन, तो इसी के लिए क्या यूज करेंगे है के लिए अस्ति। जब भी एक वचन सिंपल बोध हो तो क्या करेंगे अस्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे आ जाए राम बहुत अच्छा है, राम बहुत अच्छा है, ये भी आपका लकार में नहीं है, राम का गुण दिखाया जा रहा है, तो क्या बनाएंगे राम अतीव, या फिर बहवा बाबू लिख सकते हो, ठीक है ना। अच्छा का कुशाग्रह या सुशीला, क्या लिखिएगा सुशीला लिखिए ज्यादा अच्छा रहेगा, सुशीला एक नाम है इसलिए क्या लिखेगा अस्ति, कोई दिक्कत तनिक सा भी। एक और एग्जांपल लिख लीजिए, अब एग्जांपल लिखते हैं दो नाम बताते हैं अस्ता के लिए, किसके लिए चलते हैं अस्त पर आधारित अनुवाद, ठीक है। जैसे राम और मोहन, राम और मोहन भाई है, राम और मोहन क्या है भाई है, ये भी अनुवाद में नहीं है बाबू। इसे बनाने के लिए क्या करेंगे राम और मोहन के लिए क्या लिखेंगे मोहनश्च, बैक क्लास में बताते बाबू मोहनश्च भाई का भ्राता। अब बाबू दूगो का बोध हो रहा है, क्या का बोध हो रहा है, इसीलिए है के लिए क्या लाएंगे अस्त, क्या लाएंगे उनको दिक्कत। जैसे एक और देखते हैं, वे दोनों एक नेता है, वे दोनों एक, अब सर वे दोनों में एक कहला है क्योंकि नेता का पद एगो है, दो गो आदमी है लेकिन वो नेता जो पद है वो एक पद है, ठीक है ना, इसलिए एक लगा है। तो वे दोनों क्या होता है तो एक नेतारा, क्या होता है मर्द है तो नेतारा, औरत रहती तो नेत्री, क्या लिखते नेत्री लिखते, और है का क्या लिखेंगे अस्त, कहे कि दूगो का बोध हो रहा है, दिक्कत तो नहीं सा, नोट कीजिएगा इसको, अगला बताते हैं फटाफट। हल्ला कर रहे हो, ना पढ़ोगे ना तो एग्जाम में अगर निम्न रिजल्ट नहीं आया तो पहले गार्जियन थोपेंगे, ठीक है ना, गार्जियन थोपेंगे, उसके बाद शादी ब्याह होगा तो पत्नी भाग जाएगी, और दोबारा शादी नहीं होगा बाद नहीं मिलता, तो शांति से पढ़ ले यार, तुम लोग लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, तुम लोग नौटंकी किए जा रहे हो तो गलत बात है ये सब। चलो अस्ति अस्ता शांति हो गया, आप किस में चल रहा है अस्मि, शांति नहीं हुआ है, चलिए शांति पे चलते हैं, शांति पर आधारित अनुवाद,
ठीक। चलिए देखिए, जैसे लड़के क्या लड़के पढ़ने में तेज है, लड़के पढ़ने में कितने लड़के, बहुत सारे लड़के होंगे, एक वचन दो वचन में बहुत वचन में आ गया, तो लड़के पढ़ने में तेज है, तो बालका मीन्स लड़का, बालका मीन्स लड़का, अब बालका कर दीजिएगा ना मतलब बहुत सारा लड़का, ठीक है ना। अब पढ़ने में तो इसका होता है पठनीयम, क्या होता है पठनीयम, और तेज का होता है कुशाग्रह, कुशाग्रह क्या होता है, इसको तीव्रा भी आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं तीव्रा भी आप लिख सकते हैं, और बहुत सारा लड़का है इसके लिए क्या हो जाएगा शांति, कोई दिक्कत, वे लोग मेरे भाई हैं, वे लोग मेरे भाई हैं, तो वे लोग का क्या होगा बाबू ते, मेरा मेरी का माम, भाई का बाबू भराता, क्या था बाबू भराता। और देखिए वे लोग मतलब कि बहुवचन, एक वचन में सह, दुई वचन में त, बहुवचन में त ते, बताते तो क्या हो जाएगा यहाँ पे है का शांति। ये सब क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये सब सेंटेंस जो है उलाकार में नहीं है, इसलिए स्पेशली इसका यूज कर रहे हैं हम लोग, है का हो का ये सब का यूज करेंगे, ठीक है ना। आगे देखिए अगला बेस क्या है आपका, अस्मी, अस्मी पर चलते हैं, अस्मी पर आधारित अनुवाद। बाबू अस्मी सिर्फ मैं में लगता है, अस्मी किस में लगता है, और इसमें क्या किया, ये क्या वचन के लिए बताया है, एक वचन के लिए, ये क्या वचन के लिए हुआ दुई वचन के लिए, ये किसके लिए हुआ बहुवचन, किसके लिए बहुवचन, ठीक है ना। तो मैं के लिए अस्मी होता है, तो देखिए मैं एक लड़का हूं, अब जब भी सब्जेक्ट यानी कर्ता मैं हो, अंतिम में लकार नहीं हो, हूं हो, तो इसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, अस्मी लगाना पड़ेगा, जैसे अहम, एक, बालक, अस्मी, मैं रहेगा तो अस्मी, कोई दिक्कत, सिर्फ मैं में ही अस्मी लगता है, ठीक है ना। मैं एक विद्यार्थी हूं, फिर वही बात, अहम, एक विद्यार्थी का संस्कृत बाबू छात्र होता है, और मैं में क्या लगेगा अस्मी, कोई दिक्कत, लेट गई इसको। अब हम लोग अस्मी पर आधारित कुछ अनुवाद देखते हैं, अस्मी देखिए, असी सिर्फ तुम में लगता है, किस में लगता है, सिर्फ तुम में असी लगता है, भाई किस चीज में नहीं लगता है, जैसे तुम एक किसान हो, तुम एक, देखिए इसमें हो रहेगा, क्या रहेगा हो रहेगा, या फिर तुम शुरू में रहेगा, तो तुम से मतलब रखना है हमको, है ना, तुम शुरू में रखना है, तो तुम का क्या होता है तुम, एक का एक का, किसान का कृषक, क्या था बाबू कृषक, और तुम के लिए होगा क्या हो जाएगा असी, कोई दिक्कत, तुम एक आदर्श विद्यार्थी हो, तो क्या बनाएगा बाबू तुम एक आदर्श छात्रा, छात्रा लिखी है तो लड़की, लड़की वाला विद्यार्थी हो जाएगा, छात्रा मीन्स लड़का वाला विद्यार्थी, तो तुम एक आदर्श विद्यार्थी हो, तो तुम एक आदर्श छात्रा आशी, तनिक सा भी डाउट, अब बाबू आते हैं आशी, क्या आते हैं, अब आशित भी एक वचन के लिए आएगा, क्या आएगा, लेकिन क्या होना चाहिए, था होना चाहिए, चाहे अगर थे भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन वचन कितना होना चाहिए एक, ठीक है ना। जैसे महात्मा गांधी एक महान नेता थे, एक आदमी थे ना, अब ऐसा ना कि आसन घुसेर दीजिएगा, आसन मतलब दो से अधिक होना चाहिए तब लगेगा आसन, था थी में, तो देखिए किस पे चलते हम लोग, आशित,
आश्रित पर आधारित अनुवाद, ठीक है? कौन अनुवाद बोलिए वो आश्रित पर आधारित? महात्मा गांधी एक सत्यवादी नेता थे। महात्मा गांधी एक सत्यवादी नेता थे, ठीक। अभी बताएं और इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग। नाम का तो वही होता है, महात्मा गांधी होगा, महात्मा गांधी एक सत्यवादी क्या होगा? नेतारा आशित क्या होगा? आशित। कोई दिक्कत? राम के पिता, राम के पिता दशरथ थे। देखिए दशरथ थे, राम के पिता कौन थे? दशरथ थे। तब बताया थे पहले पहला क्लास में कि काके कीवे सेंस में रामस्य बता देते थे। राम के पिता रामस्य जनक चाहे पित्री कुछ लिख सकते हैं, ठीक है ना? तो रामस्य जनक दशरथ आशित क्या लिखेंगे? एक पिता थे, ठीक है ना? वह एक लड़का था, वह एक लड़का था। अब ले लीजिए कि वह स हो जाएगा, एक बालका आशित। कोई दिक्कत बाबू? जल्दी नोट कर लीजिए इसको। आस्त हाँ। अब हम लोग आसन पढ़ाई देखते हैं, क्या देखते हैं? आसन पर आधारित अनुवाद। जैसे राजा दशरथ के चार पुत्र थे, ठीक है ना बाबू? अब थे आया, लेकिन राजा दशरथ थे, उनके चार पुत्र थे, तो मेन कौन हो गया? चार गो पुत्र, चार गो बेटा। तो राजा का राज्ञ दशरथस्य, ठीक है ना? चत्वार, चार का पुत्र का पुत्र, लेकिन चार गो तो पुत्रा है, क्या हो जाएगा ये? आसन। कोई दिक्कत? अब आपको हम एक और नया चीज सिखाते हैं बाबू, देखो। क्या लिखे इसमें? रुको ना, विशेष अनुवाद, विशेष अनुवाद में चलते हैं। जैसे मैं खाकर पढ़ता हूं। अभी आप लोग हम लट लकार और लंग लकार पढ़ा चुके हैं, तो हम आपको लट लकार में चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? लट लकार में चल रहे हैं। ता हूँ, ती हूँ, ता है, ती है, किसमें चलता है? लट लकार। मैं खाकर पढ़ता हूँ बाबू। अभी हम सिखाने जा रहे हैं कथी? कर। किसके लिए? कर के लिए सिखाने चल रहे हैं हम लोग। खाना का संस्कृत क्या होता है? खाद। जो खाते हैं, जो क्रिया होता है, उसका संस्कृत क्या होता है? खाद होता है। कर, खाकर, कर के लिए बाबू लाते हैं इतवा। क्या लाते हैं? अभी दोनों जुड़ के बन जाए कथी? खादित्वा। क्या बनेगा बाबू? खादित्वा। जब भी इस तरह का किसी भी क्रिया के किसी भी धातु रूप में अंतिम में कर लगा हो, तो उसमें क्या जोड़ देंगे संस्कृत में? इतवा, खादित्वा। यानी कि अब इसका अनुवाद बनाएंगे बाबू, तो अहम खादित्वा क्या होगा? खादित्वा, पढ़ना का पठ, अहम में क्या लगता है? आमी। कोई दिक्कत? अहम खादित्वा पठामी, मतलब मैं खाकर पढ़ता हूं। कोई दिक्कत? फिर देखिए, वह बोलकर, वह बोलकर जाती है। कुछ भी बना लीजिए, कुछ भी सेंटेंस ले लीजिए, आपको मतलब बनाने आना चाहिए, अच्छी तरह सीखना है, वर्ड समझना है, सेंटेंस समझना है, बनाना है इजी तरीका से। तो बोलकर, बोलना का बाबू वाद होता है, क्या होता है? वाद। और इसमें हमको कर के लिए क्या जोड़ना है? इतवा। तो क्या हो जाएगा? वादित्वा। क्या हो जाएगा? वादित्वा हो जाएगा, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? वादित्वा। तो इसका अनुवाद क्या बनाएंगे हम लोग? यहाँ पे लिख सकते हैं, एक लाइन हट जाएगा,
देखिएगा, तो वह जाति है, लड़की है ना, तो क्या लिखेंगे सा, क्या लिखेंगे सा, बोलकर के लिए क्या हो जाएगा वदित्वा, क्या होगा वदित्वा, जाना का बाबू हो जाता है गच्छ, क्या होता है सा में क्या लगता है गच्छ की, कोई दिक्कत, नोट कीजिए फर्स्ट। अब देखिए ये कर वाला अनुवाद था जिसमें कर लगा, अब ये कर अनुवाद विशेष तौर पर देखिएगा, जैसे तुम पढ़ना चाहते हो, तुम पढ़ना चाहते हो, अब देखिए ये बीच वाला जो क्रिया होगा उसमें ना लगा हुआ रहेगा, क्या लगा हुआ रहेगा, तो पढ़ना का क्या होता है बाबू पठ, देखना ध्यान से, और ना लगल रहेगा ना इसके लिए ई तुम जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, तब बन जाएगा पठी तुम, क्या होगा एकदम जीरो लेवल से सीख लो, गर्दा उड़ा के छोड़ दो अनुवाद का, पठ हो गया पढ़ना का, ना के लिए क्या ला देंगे ई तुम, तो क्या हो गया पठी तुम, अब अनुवाद बनाओ, तो हम मतलब तुम, पढ़ना का हो जाएगा पठी तुम, क्या होगा पठी तुम, चाहना का होता है इच्छा, और त्वम में लगता है सी, इच्छा सी, कोई दिक्कत। फिर देखिए वे लोग खेलना चाहते हैं, वे लोग खेलना, तो बाबू खेलना का खेल का क्या होता है क्रीड, क्या होता है क्रीड, अब बीच में इसलिए इसके लिए क्या लाएंगे ई तुम, क्या लाएंगे ई तुम लाएंगे, क्या लाएंगे क्रीड प्लस ई तुम, तो क्या बनेगा क्रीड ई तुम, क्या बनाएगा तो क्या वे लोग कहते क्रीडी तुम, क्रीडी तुम इच्छा मतलब चाहना, ते में क्या लगता है अंति, इच्छान्ति, कोई दिक्कत। आगे देखिए राम पढ़ना, राम पढ़ना चाहता है, राम पढ़ना क्या बनाइएगा राम पठी तुम, क्या होगा इच्छति, ठीक है नोट कीजिए इसको।